गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नितिन चौरसिया आज कुछ लाइंस आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो आज का जो हमारा लेक्चर है वो उस पर डिपेंड करता है। तो सुनिए उस लाइन को, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग यही डिस्कस करेंगे, इसी का जो मेन मोटिव है, जो महत्व होता है इन लाइन्स का, वो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो लेक्चर। अभी स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा जो ट्रेंडिंग चल रहा है, जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम आई थी, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के डाउट थे कि उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो बहुत ज्यादा परेशान थे इस चीज को लेकर कि हमारा जो जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना अभी तक खत्म नहीं हुआ है और हमारे स्कूल्स और जो कोचिंग सेंटर्स थे वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुए, तो हमारा जो सिलेबस है या जो हमारी जो पढ़ाई है उसको हम लोग कैसे कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा मानना था या ऐसा प्रॉब्लम चल रही थी कि हमारा जो सिलेबस है उसको रिड्यूस किया जाए। तो स्टूडेंट्स बताना चाहूंगा, आपके लिए खुशखबरी आ चुकी है, सीबीएसई जो एजुकेशन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने ट्वीट करके बता दिया है, ये अपडेट आ चुकी है कि आपका जो सिलेबस है वो 30% रिड्यूस कर दिया गया है, राइट। रिड्यूस नहीं कह सकते इसको, आपका जो रेशनलाइज कर दिया है आपके सिलेबस को, मतलब कुछ जो टॉपिक्स थे जो या तो मे बी इम्पोर्टेंट नहीं है या फिर जो आपके अभी एट प्रेजेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको नहीं पढ़ने हैं, उस बेसिस पर आपका एक सिलेबस तैयार किया है वो आपको सीबीएसई की वेबसाइट पर मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक उससे रिलेटेड जो अपडेट्स हैं उसकी डिटेल नहीं पता लगा पाए हैं या नहीं मिल पाई है, वो हम लोग आपको इस वीडियो लेक्चर में दे देंगे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को स्किप मत करना, इसमें आपको सारी डिटेल्स और सारी जानकारी मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बार और, मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूँ कि कौन कौन से जो टॉपिक्स है वो हमारे डिडक्ट हुए। तो स्टूडेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, जो cbseacademy.nic.in वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा, वहां पे दो कॉलम होंगे, मैं जैसे अभी आपको खोल के बता देता हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका डिटेल मिल जाएगी, आप वहां से जाके देख सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से जो आपके टॉपिक्स है वो रिड्यूस हुए। स्टूडेंट्स एक चीज और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स आपको जो चीज रखनी है, ध्यान रखना है, और जितने लोगों को हो सकता है आप लोगों को ये चीज बतानी है कि ये जो अपडेट आया है सीबीएसई की तरफ से कि आपका जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो सिर्फ ओनली सीबीएसई जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से है, मतलब सिर्फ आपका जो बोर्ड एग्जाम होंगे उसके लिए है, कोई भी कंपटीशन एग्जाम जेई मेंस या फिर नीट में ऐसा अपडेट अभी तक नहीं आई है जिसमें आपका सिलेबस से रिगार्डिंग कोई अपडेट आई हो। तो ऐसी कोई भी न्यूज या कोई सी भी न्यूज नहीं आई है जिसमें आपका अपडेट ऐसा दिया हो जो मेंस या नीट के रिलेटेड हो, अभी जो अपडेट है वो ओनली सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए, राइट। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने जैसे मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिला होगा, तो वो लिंक आप वहां से खोल लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से चैप्टर में से कितना कितना परसेंट आपका रिड्यूस हुआ। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने वो जो लिंक दिया है वो ओपन कर लिया होगा, उसमें दो ऑप्शन आते हैं, रिवाइज सेकेंडरी कैलकुलम जो 9th और 10th के लिए है, देन उसके बाद रिवाइज सीनियर सेकेंडरी कैलकुलम जो 11th और 12th के लिए। तो हम लोग साइंस का हमें चेक करना है, 10th क्लास का चेक करना है, तो जो पहला कॉलम है आप उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद उसमें बहुत सारे टॉपिक्स खुले होंगे, टॉपिक्स के अंदर सेकेंड क्लास जो टॉपिक्स है कैलकुलम डिडक्शन डिटेल, जो आपका डिडक्ट हुआ है सिलेबस उससे रिगार्डिंग डिटेल है, आप उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स खुल जाएंगे आपके, जो भी मेन सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, साइंस है, उन सारे सब्जेक्ट्स की पीडीएफ है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको और सब्जेक्ट्स की डिटेल्स देखनी है वो भी देख सकते हैं, वहां से भी आप जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग जो साइंस है वो डिस्कस कर लेते हैं कि साइंस में कौन कौन से टॉपिक डिडक्ट हुए हैं, तो आप उसमें क्लिक करेंगे, उसके बाद एक पीडीएफ डाउनलोड होगी, वो आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगी, और उस पीडीएफ में आपको 9th का और 10th का दोनों का मिल जाएगा, राइट। तो हम लोग एक बार जो 10th का है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने वो पीडीएफ ओपन कर ली होगी, ओपन करने के बाद सबसे पहले जो 10th का जो सिलेबस आया है उसमें मैं आपको बता देता हूँ, जो डिलीटेड पोर्शन है मींस जो डिलीटेड टॉपिक्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपकी जो पहली यूनिट है केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर, ये पहली यूनिट है, इसमें आपका जो थर्ड चैप्टर है और जो फोर्थ चैप्टर है, मतलब आपका पहले चैप्टर में से कोई टॉपिक डिडक्ट नहीं है, आपके सेकेंड चैप्टर में से कोई टॉपिक डिडक्ट नहीं है, जो आपका थर्ड चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें से कुछ एक रेशो में टॉपिक्स डिलीट किए हैं उनका बता देता हूं मैं, बेसिक मेटलर्जी प्रोसेस, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, सिर्फ इतना ही टॉपिक आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में से डिटेक्ट हुआ है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था स्टूडेंट, सबसे जो एक तरह से साइंस का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है या इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है स्टूडेंट्स, उस टॉपिक्स में से उस चैप्टर में से सबसे ज्यादा टॉपिक रिड्यूस हुए हैं,
जो हमारा है फोर्थ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट 70% जो टॉपिक्स है वो आपके इस चैप्टर में से रिड्यूस हो चुके हैं। जो भी आपका जो एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक था नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, सारे जितने भी फंक्शनल ग्रुप से उसका नॉमेनक्लेचर डिलीट हो चुका है। देन इसके बाद डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड डिलीट किया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये भी, आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम लेवल्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो भी आपके सीबीएसई की बोर्ड के लिए डिलीट हुआ। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन वो सारा कुछ कैंसिल हुआ। इसके बाद इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड्स, ये और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक सोप एंड डिटर्जेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसमें से क्वेश्चंस हर साल हर ईयर में हर एग्जाम में बनते ही रहे, तो ये वाला टॉपिक भी आपका जो है सीबीएसई के एग्जाम से रिड्यूस कर दिया गया है, राइट। तो आपका ये जो टॉपिक था, ये जो चैप्टर था, इसमें से आपको जो टॉपिक्स है वो आपके डिलीट कर दिए गए हैं। इसके बाद आपकी जो सेकेंड यूनिट है वर्ड ऑफ लिविंग, उसमें जो चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, उसमें से कौन कौन सा। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो यूनिट है, नेक्स्ट सेकंड यूनिट है हमारी वर्ड ऑफ लिविंग, उसमें कौन कौन से टॉपिक डिटेक्ट हुए वो एक बार देख लेते हैं। जो हमारा चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, ये जो चैप्टर है इसके मैं टॉपिक बता देता हूँ एक बार कौन कौन से डिटेक्ट हुए हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें से जो टॉपिक्स आपके डिटेक्ट हुए वो टॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, नर्वस सिस्टम्स, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शंस, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड एनिमल्स हार्मोन्स, ये सारे टॉपिक्स जो है आपके डिडक्ट हुए हैं। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, राइट। तो इसमें से जो टॉपिक डिडक्ट हुआ है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इवोल्यूशन, बस एक टॉपिक डिडक्ट हुआ है आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर में से। इसके बाद जो नेक्स्ट आपकी थर्ड यूनिट है नेचुरल फिनोमेना, जो एक ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता था ह्यूमन आई एंड कलरफुल बट जिसमें से भी क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, उसमें कौन कौन से टॉपिक डिडक्ट हुए वो मैं बता देता हूँ। फंक्शंस ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स, एक मान सकते हो कि आपके जिस टॉपिक को कवर करने के बाद आपके जो मार्क्स थे वो फिक्स होते थे वो टॉपिक भी आपका डिडक्ट हो चुका है, तो थोड़ी खुशी है टॉपिक्स डिडक्शन की बट थोड़ा दुख भी होना चाहिए कि आपके जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो आपके लाइफ टाइम काम आते हैं या सबसे ज्यादा आपको पढ़ने में मजा आता है वो टॉपिक्स भी डिडक्ट हुए हैं, राइट। और इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड देयर लेंसेस, लेंसेस के जो एप्लीकेशंस हैं और उसके जो क्या बोलते हैं आप स्फेरिकल मिरर्स के और लेंसेस के जो एप्लीकेशंस हैं वो भी डिटेक्ट हुए हैं, राइट। इसके बाद जो आपकी फोर्थ यूनिट है इफेक्ट ऑफ करंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, इसमें जो आपका टॉपिक डिटेक्ट हुए हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में से वो है इलेक्ट्रिक जनरेटर। स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये भी बदकिस्मती से डिलीट कर दिया गया है। डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे अच्छे जो टॉपिक्स है वो भी इस चैप्टर में से डिलीट हुए हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यूनिट है यूनिट फिफ्थ नेचुरल रिसोर्सेज, लास्ट जो यूनिट है हमारी सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसमें कौन कौन से टॉपिक डिडक्ट हुए हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर एंड टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अप्रोक्सीमेटली 60-70% आपका इस चैप्टर का भी जो टॉपिक थे वो रिड्यूस कर दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स थे, भले से कॉम्पिटिशन नहीं बट बोर्ड एग्जाम में अगर हम लोग मार्क्स गेनिंग की बात करते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो टॉपिक्स थे ये डिटेक्ट कर दिए हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले बात, आपको इन टॉपिक से परेशान या ज्यादा कुछ होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं ये अभी एट प्रेजेंट की जो कंडीशन है उस बेसिस पे टॉपिक जो डिडक्ट किए हैं उस बेसिस पे अभी भी इस पे फाइनल रिजोल्यूशन नहीं आया है कि फाइनल जो लास्ट अपडेट है वो नहीं आई है, राइट। तो स्टूडेंट्स आपकी खुशखबरी आपको मिल चुकी है कि आपका जो सिलेबस है वो 30% रिड्यूस हो चुका है, साथ साथ कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो रिड्यूस है उसकी भी आपको डिटेल दे दी है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को अभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है या फिर आपने अभी तक आपकी तैयारी शुरू नहीं की है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपका 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो उसके अगर आपने अभी भी तैयारी नहीं की है, आप अभी भी लॉकडाउन में मजा है मस्ती आपकी चल रही है, उसमें से थोड़ा सा समय निकाल के आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, आपके नोट्स प्रिपेयर नहीं होते, आपको नोट्स नहीं बन पा रहे हैं, जैसी भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर और डिटेल आपको मिल जाएगी, आप हमारे थ्रू
कनेक्ट होके भी आप सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स और अगर कुछ और प्रॉब्लम्स आती है वीडियो से रिलेटेड या कोई टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी अपडेट से रिलेटेड आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, हमारे जो डिटेल्स है उसके रिगार्डिंग जो लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ साथ अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी अपडेट या कोई भी इंक्वायरी आती है आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को आप जितना ज्यादा स्टूडेंट्स को बता सकते हैं फैला सकते हैं इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथ साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ठीक है।